हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो। टेस्टलेस है। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ है? मिलती हूँ कुछ ही देर में, तब तक पीजिए। हेलो फ्रेंड्स, এই দেখো আমি জল খাচ্ছি, তোমরা খাবে? सो हाय गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल साइलेंट टिप्स बाय पूजा। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने बंगाली में ब्लॉग किया था, और उस वीडियो में मैंने पूछी थी आप लोगों से कि मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में दो ब्लॉग डालू, एक बंगाली में और एक हिंदी में, तो क्या मैं ये करूं। देन आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये करनी है। तो आज का ब्लॉग जो है वो हिंदी में होगा, क्योंकि पिछली ब्लॉग बंगाली में हो गई थी। फादर एनी डीले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड या, वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी जरूर हिट कर दीजिएगा कि ताकि मैं जब भी वीडियो डाल सकूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके और सबसे पहले आप वो वीडियो देख सके। और अगर मैं आपको पर्सनली पसंद हूं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सोशल मीडिया पे। मैं उन सारी चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अभी बज रहे हैं सुबह की 9:45 और मैं कुछ ही देर पहले उठी हूँ, थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ। मेरा मुंह देख के तो लग नहीं रहा, बट स्टिल मैं हुई हूँ। चाय दिया है मम्मी ने दूसरी रूम पे, अब मैं जाऊंगी उसको खाऊंगी, तो चलो मेरे साथ। अरे तेरी, ये इस बंदे को देखो, देखो इस बंदे को, मतलब इसका ना कुछ अलग ही है। देखो कैसे सोया है, इसका कुछ अलग ही चलता है, मतलब ये खुद का मालिक है। देखो, हे छोटा बेबी, गिव मी हैंड शेक दो, मोर में नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं सुबह उठने के बाद पानी पीती हूँ, वो जितना हो सके, क्योंकि उससे मुझे एनर्जी मिलती है। सो हेयर इज माई बॉटल एंड अभी मैं पीऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो, टेस्टलेस है। मैंने इतना पानी पी लिया है क्योंकि सुबह भी मैंने पानी पी थी। अब मैं जाऊंगी चाय पीऊंगी। हेयर इज माई मॉम, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। ये क्या है, ब्रेकफास्ट? अभी ना मैंने चाय भी नहीं पी और मम्मी ने ब्रेकफास्ट लाके दे दी, तो चलो सब कुछ एक साथ ठूस लेते हैं। आप क्या खा रहे हो? सो हाय गाइस, हम लोगों के यहाँ पे ना पावर कट हो गई थी, तो इसीलिए मैं बहुत लेट से फिर से ब्लॉग कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करना चाहती थी। कल ही मुझे रिसीव हुआ है ये बॉक्स, आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है purple.com। तो purple से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स, लाइक बेसिकली स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी कुछ ही दिन पहले, और ये मुझे कल रिसीव हुआ। तो मैं आज आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इस टाइम पे क्या क्या लिया है। तो फर्स्ट थिंग जो है वो है इनिस्फ्री का माय रियल स्क्वीजी मास्क, आप देख सकते हो, और ये ग्रीन टी में है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हिप हॉप स्किन केयर की तरफ से क्लींजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स। आपकी नोज पे जितने भी सारे ब्लैक हेड्स है ये उनको हटाता है, तो पता नहीं कैसे काम करेगा। आज मैं इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, फिर आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी और एक छोटू सा रिव्यू भी दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बायोटिक का दो प्रोडक्ट्स। जो पहला है वो है ये बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो क्यूकम्बर प्रो टाइटनिंग, सॉरी पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालयन वाटर्स। तो ये क्लेम करता है कि इसके अंदर हिमालयन वाटर है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, मेरी नॉर्मल स्किन है। तो इसका भी मैं बहुत जल्दी रिव्यू आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। फिर मैंने लिया है बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो डैंडेलियन विजिबली एजलेस सीरम। ये मैंने कल रात को एक बार यूज किया था और ऑनेस्टली ऐसी कोई फर्क
मतलब मैंने अभी तक नहीं देखी, एक दिन में आपको क्या फर्क मिलेगा, तो मैं इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स ऑरेंज जेल। ज्यादातर मैं एलोवेरा जेल ही यूज करती हूँ, तो मैंने इस बार सोची कि कुछ अलग ट्राई करते हैं एलोवेरा से निकल के। तो मैंने लिया है ऑरेंज जेल और इसका जो स्मेल है, जस्ट अ सेकेंड, तो ये दिखने में कुछ ऐसा है। प्योर ऑरेंज कलर का तो नहीं है, थोड़ी येलोइश टाइप का है और जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि स्ट्रांग स्मेल्स मुझे पसंद नहीं है। माइल्ड खुशबू ठीक है, तो इसका जो स्मेल है वो माइल्ड है। ये ना थोड़ी सी वो फेबी गम वाली जो ट्यूब आती है ग्लू की, उसकी तरह लगा मुझे। उसके बाद मैंने ऑर्डर करी है गुड वाइब्स का आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स, जो कि है फ्रॉम गुड वाइब्स। तो मुझे ये बहुत दिनों से चाहिए था एंड फाइनली मैंने ले लिया है। सबसे छोटा वाला बॉटल मैंने लिया है क्योंकि पहले मुझे देखनी है कि ये काम कैसे करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने यहाँ पे रिसीव किया है हिप हॉप स्किन केयर इंस्टेंट नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स। इसके अंदर एक ही वाइप होगा शायद, जो कि मैं आज ही यूज करूंगी क्योंकि मेरी जो नेल पॉलिशेस है आप देख सकते हो इसकी हालत उतना भी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स लिया है। तो डेफिनेटली आप उनके साइट पे जाओ, चेकआउट करो, जो भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगे खुद के हिसाब से आप वो ऑर्डर कर सकते हो। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एक कोड दे रही हूँ, अगर उसको आप इस्तेमाल करते हो, अगर 1000 की शॉपिंग करते हो तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पर्पल का जो लिंक होगा वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ और बातें करती हूँ। वो देखो छोटा बेबी को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Baba, tu bocha je. Tu bocha je. Chok tu le dekho na kisi chhe. Tu dekhi? Wow, kya chhodu ye wo? इसको पोछ रही थी एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो मैंने भी नहा लिया, तो असलियत में क्या हुआ, आज हम लोग एक साथ नहाए। कैन यू इमेजिन दैट, मेरे छोटू बाबा ने आज मेरे साथ नहाया। और यूजुअली ये पसंद भी नहीं करता नहाना, क्योंकि ये तो एक गंदा बच्चा है, ये तो एक गंदा वाला बच्चा है। देखो नीनी भी आ गई इसको, तो हम लोगों ने नहाया, बहुत मजे किए आज, क्योंकि मैं नहा रही थी एंड इसको पानी फेंक रही थी एंड ही वाज लाइक डोंट डू दैट, तो बहुत मजा आया। इसका मतलब कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन बस खाना है सोना है बस। देखो देखो अभी नहा के आया, इसका हालत देखो देखो, हाय रब्बा मेरा बच्चा इतना क्यूट है। तो मैं इसको सुला देती हूँ एंड सुलाने के बाद मैं इसका जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है इसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये जो बॉक्स है हिप हॉप स्किन केयर की क्लींजिंग चारकोल नो स्ट्रिप्स, इसका जो प्राइस था वो था आई गेस 80 के अंदर, सॉरी इट्स 90। एंड इसके अंदर थी टोटल 3 स्ट्रिप्स, आप देख सकते हो, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन।
तो इस पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसके हिसाब से जो पहला स्टेप है वो है, आप पहले अपनी जो नोज है उसकी एरिया को वार्म वाटर के साथ थोड़ा सा सोक कर लो, ताकि जो आपकी पोर्स है वो खुल जाए एंड जो व्हाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स जो भी है वो स्ट्रिप के ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले मैं वही करूंगी, तब तक के लिए थोड़ा सा रुको, मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेके आती हूँ। तो मैं ले आई थोड़ा सा गर्म पानी, देख सकते हो, और मैंने लिया है एक छोटा सा कॉटन, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको नहीं देने वाली हूँ, तो मैं कॉटन में थोड़ी सी गर्म पानी सोक करके लाइक दिस, उसके बाद इसको स्क्वीज करके अपनी नोज के ऊपर ऐसे ऐसे रब कर लूंगी बहुत धीरे से, ताकि जो भी मेरी पोर्स है वो ओपन हो जाए। सो मैं इसको पील कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से, एंड इसको मैं अब स्टिक करूंगी मेरी नोज के ऊपर। कुछ इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। जो फोर्थ स्टेप है उसमें बोला गया है कि आफ्टर 10 मिनट्स वंस द स्ट्रिप इज स्टिफ स्लोली पील द स्ट्रिप ऑफ। तो ये 10 मिनट के बाद ना थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, कुछ टाइट जैसा हो जाएगा, इसके बाद हमको इसको निकाल लेना है। तो मैं 10 मिनटों में आपसे मिलती हूँ एंड देखती हूँ क्या रिजल्ट्स होते हैं। सो फाइनली 10 मिनट हो गए हैं एंड अभी मैं इसको निकालने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं छोटा सा मिरर लेके आती हूँ। रुक जाओ, छोटू वाला तो नहीं मिला, मैंने बड़ा ही ले लिया। तो इसको मैं अब उतारने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे जितने भी सारे व्हाइट हेड्स थे वो इस स्ट्रिप के ऊपर आ गए हैं। सो मैं ये जरूर कहूंगी दिस इज बेस्ट, सो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। मैं ये आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप ये ट्राई करिए। purple.com में आपको ये इजीली मिल जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, जस्ट गो फॉर इट, दिस इज अमेजिंग। आपने शायद मेरा रिएक्शन देखी होगी स्ट्रिप को उतारने वक्त, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड यहाँ पे है बहुत सारे व्हाइट हेड्स है। तो आप बस ट्राई कीजिए और मैं मिलती हूँ लंच के बाद, तब तक के लिए बाय। तो फाइनली मैं अभी टिकटॉक के टिकटॉक के शूट से उठी हूँ, एंड आप लोगों ने पिछली वीडियो में जो बंगाली ब्लॉग थी उसमें आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका जो टिकटॉक का सेटअप है वो दिखाओ, तो बच्चा लोग देख लो एक बार सेटअप। दिस इज द सेटअप, यही पर ही मैं अपनी जो सारी वीडियोज है उसको शूट करती हूँ, एंड कभी कभी मैं बिस्तर पे भी बैठ के वीडियोज शूट कर लेती हूँ अगर लाइटिंग ठीक ठाक आए तो। यहाँ पे अभी बैठा हुआ है मेरा छोटू सा नोदू सा बच्चा, मम्मी ने बहुत पहले चाय दी थी, आपको मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। सो ये थी मेरी चाय जो कि अभी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई है। ये बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी। तो ये जो ज्वेलरी आप देख रहे थे इसका मैंने रिव्यू भी किया है मेरी चैनल पे। तो अभी मैं जो थोड़ी सी काम है उसको निपटा लूंगी और उसके बाद शायद मैं सेक्रेट गेम्स 2 देखने बैठू, नहीं मालूम क्या करूं क्या ना करूं। तो चलो पहले इन सभी चीजों को उतार लेती हूँ और फिर से मैं वही बात कहूंगी, आज भी मेरे मुंह पे कोई मेकअप नहीं है, फॉल्स लैशेस आज मैंने लगाई है, और ये आप एक आईलाइनर देख सकते हो थोड़ी अलग ढंग की है। इसका मैंने ट्यूटोरियल टिकटॉक पे दिया है, अगर अभी तक आप मुझे वहां पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज जाओ फॉलो करो, मैं वहां पर भी कभी कभी टिप्स दे देती हूँ, आपको हेल्प होगी। तो यार चलो मिलते हैं कुछ देर के बाद, बाय। तो मुझे पता है कि मैंने बहुत टाइम से कुछ भी शूट नहीं किया एंड आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया, इसका एकमात्र कारण है कि मैं सेक्रेट गेम्स देखने बैठ गई एंड उसके बाद टाइम कहाँ से निकल गई। कुछ देर पहले मैं हाथ मुंह धो के आई एंड उसके बाद मैंने लगाई बायोटिक का ये सीरम,
बायोडेंड्रिलियन विजिबली एजलेस सीरम। सो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगे तो मेक श्योर कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो, जो लोग नए देख रहे हो तो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना। और अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता तो मेक श्योर कि उसके बगल में जो एक छोटू वाला बेल बटन है उसे जरूर हिट करना, क्योंकि अगर वो आप नहीं करोगे तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय।